तुम मुझे, मैं तुझे, तुम मुझे। गाइस गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? प्लीज मेरे साथ शेयर कीजिएगा। आई होप सो आप लोग स्वस्थ होंगे और यस, तो बन्नी जैसे स्वस्थ ना हो मेरे जैसे स्वस्थ हो। और अभी हम दोनों ने शावर लिया है, बोनू ने और मैंने। आज ये पैंटी में है अपनी छोटी सी चड्डी में, और आज इसने सैंडो भी डाली है नहा के, क्योंकि गर्मी हो गई है। हालांकि आज मौसम काफ़ी अच्छा है, बच्चे नीचे गली में खेल रहे हैं तो उनकी आवाज़ आ रही होगी। और अभी इवनिंग का टाइम है तो लगी है हम दोनों को हल्की फुल्की सी भूख, और हनी को भी लगी है। हनी नीचे है बच्चों के साथ खेल रहा है वो। तो मैंने सोचा ज़्यादा कुछ ना बनाऊँ, चाय वाय का पीने का कुछ आज खास मूड नहीं, गर्मियों में ज़्यादा मूड होता भी नहीं है सही बताऊँ तो मैं बनाने जा रही हूँ मोटी वाली सेवई, नहीं होती जो सेवैयाँ, एक मैं आपको किचन में लेके चलती हूँ, बना भी दूंगी और दिखा भी। तो गाइस सेंटर हैं, हम आ गए हैं किचन में और बन्नी बैठा है यहाँ स्लैब पे। ये देखिए आप लोगों को दिखाती हूँ मैं, ये स्लैब पे बैठा है। और मैं जो भी सेवई की बात कर रही थी वो ये वाली सेवई की बात कर रही थी मैं, और कई लोग इसे वर्मसली भी बोलते हैं, और ये वाली सेवई की बात कर रही थी मैं इसे सेवई बोलती हूँ, वर्मसली नहीं बोलती हूँ गाइस। तो इसको बना लेते हैं दूध वाली मीठी मीठी सी, थोड़ा सा मीठा मीठा मुंह भी हो जाएगा, और चाय से तो बेटर ही रहेगा। ऐसे बहाने बनने के मुंह में भी कुछ दूध पानी चला जाएगा, ठीक है? तो चलिए कैसे बनाती हूँ दिखाती हूँ, सबको आती है पर हम कुछ खास हैं क्योंकि हम यूट्यूब पर हैं। तो चलिए बना लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो बस जैसे ही मैंने गैस ऑन किया और यहाँ पर डाल रहे हैं मैं 2.5 चम्मच के लगभग, मैंने यहाँ पर देसी घी डाला है। देसी घी में ही सेवैयाँ बहुत अच्छी लगती है, मोस्टली लोग देसी घी में ही सेवैयों को बनाते हैं। हालांकि ये रोस्टेड सेवैयाँ थी पर फिर भी मैंने घर पर, मैं हमेशा सेवैयों को रोस्ट करती हूँ, चाहे वो रोस्ट हुई हुई हो चाहे अनरोस्टेड हो, ठीक है? तो यहाँ पर जैसे ही हल्की रोस्ट होंगी तभी मैंने इसमें 2 घूंट के लगभग पानी डाला है। पानी डालने का एक रीज़न है, एक टिप समझ लीजिए, जब ये मोटी वाली सेवी होती है इनमें पानी सोखने की बहुत क्षमता होती है, तो मैं कहूँगी थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे तो ये अच्छी फूल जाएंगी और ये दूध का प्रॉपर मज़ा देंगी। तो दूध डाला है मैंने 2.5 गिलास के लगभग आपके सामने, और दूध के 1 उबाल आने के बाद में मैंने डाला है चीनी स्वाद अनुसार, और फिर इसे थोड़ी देर पकने दे, और जैसे ही रनी टाइप में हो जाए, जितनी थिक या पतली आपको खानी है फिर उतार लीजिए। मेरे को इतनी खानी थी मैंने यही उतार ली, कैसी लगी है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। आ जाइए आप लोग भी जल्दी से खा के बताइए कि कैसी लगी मीठी मीठी गर्मा गर्म सेवई। वैसे मेरा मानना तो ये है कि गर्म सेवई से ज़्यादा ठंडी ज़्यादा अच्छी लगती है, जैसे ये चीज़ होती है ना खीर सेवैयाँ और होते हैं ना रसमलाई वगैरह, ये ठंडे अच्छे लगते हैं। रसमलाई तो खैर ठंडी अच्छी लगती है, लेकिन सेवई और खीर ठंडी ही होके अच्छी लगती है। और बन्नी देखो शुरू हो गया, बन्नू आपके वाली ज़्यादा वाली बेटा, क्योंकि मेरे को मीठा कम पसंद है, मैं थोड़ी ही खाऊंगी, बस क्रेविटी हो रही है ना अंदर से कि मीठा खाना है मीठा खाना, बस उसको पूरा कर रही हूँ मैं, बाकी बन्नी खा रहा है। और शाम का मेरा साथी मेरा बच्चा यही होता है, क्योंकि हनी नीचे बैट बॉल खेल रहा होता है, पापा ऑफिस होते हैं, और इसके पापा यानी कि और मैं इसके साथ और ये मेरे साथ होता है। तो चलिए जल्दी से खा लेती हूँ मैं भी गर्मा गर्म से फटाफट से सेवैयाँ। आ जाइए आप लोग भी खाइए और खा के इंस्टाग्राम पे बताइए, लिंक मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगी। तो गाइस मिल रही हूँ मैं आपको बहुत देर बाद, कम से कम इस टाइम हो रहा है 7:30 का टाइम हो रहा है, और हनी बन्नी खा रहे हैं मटका कुल्फी, और अन्नु आ चुके हैं। और आज अन्नु के साथ में एक हादसा हो गया है, अन्नु का क्रेडिट कार्ड खो गया है। आप कंप्लेंट डालेंगे या क्या करेंगे पता नहीं, जब से आए हैं तो उसी चक्कर में मैं भी लगी पड़ी हूँ कहाँ है कैसा है, इसीलिए मैं आप लोगों से मिलने के लिए लेट हो गई। तो ऐसा भी हो गया यार, एक इस चीज़ की कमी थी ये भी हो गया। कभी कभी जब दिन अच्छे चल रहे होते हैं ना तो कुछ ना कुछ दूसरी मुसीबत आ ही जाती है, कितना भी अच्छा करने सोच लो धम से टपक जाती है मुसीबत। चलो अच्छा होगा कुछ, वो तो अन्नू कंप्लेंट, अन्नू कंप्लेंट डालोगे ना बैंक में? कर दी, शुक्र है अन्नू ने कंप्लेंट कर दी। भैया ये है तो सब है, और ये नहीं तो कोई नहीं है,
सबसे बड़ी बात तो पैसा ही है, सब कुछ पैसा है आज के जमाने में। और अपने दिमाग को ना चलाना चाहिए कि हमने कौन सी गलती कहाँ कर दी, हो जाती है। हालांकि मेरी सासू माँ कहती हैं कि इंसान गलतियों का पुतला होता है, ये बात मैंने उनसे सीखी है। तो हो जाती है गलती, इंसान से ही होती है, भगवान उससे कभी गलती नहीं होती। उनके घर देर होती है पर अंधेर कभी नहीं होती है। तो बस अब मैं बनाने जा रही हूँ, इतनी ढूंढा ढांडी खोजने पीटने के बाद में जब कुछ नहीं मिला तो फिर अब मैं बनाने जा रही हूँ दाल चावल, क्योंकि मैं थक गई हूँ। और ये देखिए, इसी को कहते हैं यहाँ पे मटका कुल्फी। हालांकि ये मटका नहीं है, बस वो मटका कुल्फी तो हमारे टाइम पे मिलती थी, वो उसमें कुल्लड़ में मिला करती थी। तो ये वाले मटका कुल्फी देखिए, तो इसी में खुश हो जाते हैं नालायक। हैं पिंक चड्डी। चलिए मिलती हूँ मैं किचन में, जल्दी से दाल चावल बना देती हूँ, रेसिपी नहीं दिखाऊंगी, दाल चावल बना रही। ठीक है, मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। एंड वेलकम बैक टू माय किचन। तो इसमें बना दी है मैंने दाल छोटे वाले कुकर में, बड़े वाले कुकर में बना दिया है मैंने राइस। यहाँ काट दिया है मैंने अपना प्याज और सारी किचन कर दी है मैंने क्लीन आउट, क्योंकि हाथों हाथ बर्तन वगैरह मांज दो तो ज़्यादा बर्तन नहीं पड़ता है। और मैंने कुछ नहीं किया है, इस सीटी पे बैठी तो इसकी फुसफुस हो गई, आई डोंट नो। मेरे पे कोई भी कुछ मत कहना प्लीज़, बता रही हूँ अभी। हाँ, और बस अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, सही बताऊँ तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 9:30 बजे का टाइम हो गया है। और अन्नु का इसी चक्कर से और मेरा भी बहुत ज़्यादा मन ख़राब हुआ है। एक बार ही पहले भी अन्नु का एटीएम कार्ड, पता नहीं कौन सा कार्ड था, वो खो गया था, याद नहीं आ रहा मेरे को। उस टाइम भी हम इतने ज़्यादा परेशान हुए थे, अब मैं रॉड को उठा कर रख दूँगी, अब आपको यहाँ पर रॉड नहीं दिखने वाली है। मैं जब भी इधर बैठती हूँ ना अपनी सेटी पे, तो रॉड ज़रूर दिखती है, तो मैं इसको उठा के अब रखने वाली हूँ। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो क्या करना है, देन लाइक करना है, और यहाँ तक चल कर आए हैं मेरी वीडियो को देखने के लिए तो सब्सक्राइब करना है। प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करें, मेरे को सपोर्ट करें। आप मेरे 1K करवाएंगे ना तो अन्नु पता नहीं मेरे लिए क्या सोच के बैठे हैं, वो कह रहे हैं जब तेरे 1K हो जाएंगे ना मैं तेरे को गिफ्ट दूंगा, तो करवा दो ना यार, इतना तो करवा सकते हो ना। अपने आस पड़ोस में सबसे बोलो ना, निशा दीदी का चैनल है, सब्सक्राइब कर दो, इतना तो कर सकते हो। लाइक भी दे दिया करो प्लीज़। तो चलिए, किस बात पे थी मैं, किस टॉपिक पे थी वो भूल गई मैं, बात ही बात में अपने लाइक और सब्सक्राइब के चक्कर में यही। और आजकल घर में भी अन्नू बस बोलते रहते हैं नारियल की चटनी बना, और मैं उनको इतने दिनों से टला रही हूँ। अभी नहीं बाबू, कल बनाऊँगी, परसों बनाऊँगी। इस चक्कर में मेरे घर में 3 नारियल आके सड़ के ख़त्म भी हो चुके, लेकिन मुझ ढीठनी से नारियल की चटनी नहीं बनी। फाइनली अब मैं 1-2 दिन में शायद डोसा कुछ बनाऊंगी यार। नारियल की चटनी ऐसा लगता है ना, किससे खाएं, डोसा तो उससे खा भी लें और किससे खाएं मेरे को, इसलिए मैं आलकस मार जाती हूँ सही बताऊँ तो। मैं अगर आपको कुछ पता है कि नारियल की चटनी हम किस किस चीज़ के साथ खा सकते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और यार बड़ी परेशानी हो गई थी कि अन्नु आया ना और उन्होंने मुझे बताया मेरे तो यार वाला जो फ्यूज़ होता है उड़ गया, मैंने कहा अब कहाँ खोया है। तो फिर हमने सोचा कि चलो क्या होता है, बंदा घर से बाहर जाता है तो 100 चीज़ होती हैं भाई, यहाँ तो नहीं रख दिया, फ्रिज की प्लाई के नीचे तो नहीं रख दिया, अब अलमारी में तो नहीं रख दिया, निशा तेरे पर्स में तो नहीं रख दिया, तेरा ढूंढा पर भाई वो जो खोने वाली चीज़ थी वो बाहर ही कहीं खो गई। फिर मैं बोला चलो चिल मारो, कोई बात नहीं, वो एक हफ्ते में रिटर्न आ ही जाएगा, और प्रे करना जल्दी आ जाए। तो चलिए मिलती हूँ मैं थोड़ी सी देर में, दाल चावल बन गए हैं, मिलती हूँ अब डिनर टाइम। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया क्योंकि अब इसकी सुर ख़त्म हो जाए ना तो कम से कम मैं डिनर खा लूँ, बस चावल के वो दम लगता है ना, बस वही दम लग रहा है। चलिए मिलती हूँ मैं डिनर टाइम पे। ओके, अंजलि मैं तुझे तुम मुझ ए अंजलि कैसा लगा है माँ बेटे का छोटा सा कॉमेडी। और से हनी है हेलो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो गाइस, इस वीडियो पे आपको जितना लाइक बरसाना है उतना लाइक बरसा दो, और मम्मी का चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, और जितनी वीडियो आपसे हो रही है शेयर उतनी सब शेयर करो। थैंक यू सो मच माय सन।
और मेरा हनी बेटा जो है वो आज गिर गया है, आज नहीं मतलब दो दिन पहले गिर गया था वो, और उसको सडनली बहुत तेज़ लगी है, तो दो दिन से बस इसको इंजेक्शन ही लग रहे हैं, क्योंकि इसको गहरा मतलब लगा, भले ही इतना सा है लेकिन गहरा लगाया। अब हर बात बताने की अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए मैंने बताई नहीं, सिर्फ ऊपर ऊपर का बता रही हूँ मैं अभी आपको। कोई नहीं, डॉक्टर ने बोला ठीक हो जाएगा हफ्ते भर में। चलिए कोई बात नहीं, और बताइए आप लोग, लंच डिनर वगैरह हो गया, हम लोगों का हो गया, खा पी के मस्त बैठे हैं देखिए। और आज मैंने मैंने खाना खाया ना, उस वजह से मेरे को भूख के आ गई। तो सो गाइस, मैंने आज दाल चावल मैंने घी डाल के खाया ना, ऑसम लगता है। कौन कौन दाल चावल में घी डाल के खाता है, जो भी खाता है जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा मेरी वीडियो को, घी के नाम पे, दाल चावल में अगर घी खाते हैं तो, ठीक है? चलिए मैं लेती हूँ आप लोगों से अलविदा, मिलते हैं एक अच्छे से न्यू ब्लॉग के साथ में, और सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, लाइक कर दे मेरे वीडियो को, और कमेंट करके बताएं आप अपना प्यार बरसाएं। अगर इतनी सी भी कोई चीज़, मेरी बातें या मेरी फैमिली, कुछ भी मेरा मजाक अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में। और हाँ, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि लाइक थोड़ा ऊपर कर दें, क्योंकि आज मेरे बेटे ने बोला है इसलिए, ओके? तो चलिए मिलती हूँ मैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। अगर आपको मेरी आने वाली वीडियो में कुछ नया देखना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, कि मैं अपने आने वाली वीडियो में क्या आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग, और बाय। और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, इस ब्लॉग के पहले हम इंस्टाग्राम पे भेज देते हैं, यस, उसका लिंक हम यहाँ डाल देंगे, ठीक है? चलिए बाय, शुभ रात्रि एंड शब्बा खैर।